शुक्रिया की उम्मीद लगाना भी इखलास के मुनाफी है। आपने कभी सुना है किसी सियाबी के नाम का हाजी अब्दुर्रहमान बिन औफ लिखा हो? हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा देना, हमारा लेना, हमारे मामलात करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, तंग दस्त की मदद करना, किसी मकरूज को कर्ज से निजात देना, मकरूज को आसानी करना, लेन देन में सच बोलना, कारोबार में सदा। फिर कुरान ने मेरे सुनोर दी है कि इन्नमा नुति मुकम लिवजील ला नुरीद मिनकुम जजाउं वला शुकूर, कि अल्लाह कहता है जो नेक लोग होते हैं ना, वो जब किसी को खाना खिलाते हैं तो खाना खिलाते हुए उनका मकसूद हरगिज ये नहीं होता कि कल ये मुझे खाना खिलाएगा या ये मुझे उसका कोई बदला देगा, हत्ता कि ये भी नहीं होता कल ये मेरा शुक्रिया अदा करेगा। शुक्रिया की उम्मीद लगाना भी इखलास के मुनाफी है। बड़े बड़े मसाले हमारे हल हो जाते हैं जब बंदा ये सोचे ये उनने तेना की कीती तो तू उन्हें की कीती, बंदा जवाब दे यार मैं उन्हें कीती रब वास्ते, मुझे बदला तो नहीं चाहिए उसका। उसने क्या किया? अल्लाह को जवाब वो देगा। मैंने क्या किया? अल्लाह से जवाब मैं लूंगा। सही की माने ये बहुत बड़ी सोच है अगर हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। सूला फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत को सबसे पहले जो तीन लोग जहन्नुम में जाएंगे ना, पता क्यों जाएंगे? सिर्फ इखलास की कमी की वजह से जाएंगे। पता कौन जाएंगे? सबसे पहले अल्लाह के कुरान का कारी जाएगा, शहीद जाएगा जहन्नुम में। कहाँ जी? जहन्नुम में। वो कुरान की एक आयत है ना कि अमाल करके थक जाने के बावजूद लोग जहन्नुम में जाएंगे। ऐसे लोग अमाल कर करके थक जाएंगे, इनकी ताज्जुदें तो क़यामुल लैल, ये दुनिया में चलते फिरते फरिश्ते, हम कहते बड़ा अल्लाह का वली है, हमारे लिए दुआ करना, आपके मुंह से निकलना अल्लाह ने फौरी कबूल कर लेना। उसकी तनहाइयां कैसी हैं, मामलात कैसे हैं, अखलाक कैसा है, कारोबार कैसे हैं, लेन देन कैसा है, हमने वो हम देखते हैं यार बंदा बड़ा नवाजी है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, इसे मत्थे से मेहराब, सिर ते टोपी, शलवार टखने दोची, हाथ में तस्वीर, अस कहते यार साली दुआ कर। तो कुरान कहता आमिला तो ना सिवा तसला नार नामिया, अमल कर करके थक जाएंगे लेकिन अल्लाह इनको जन्म में बहन देगा। अंदाजा करिए, सोचिए जरा, सुबह से शाम तक रोजा रख के जुबान को भी कंट्रोल करना, आंखों को भी रोक लेना, कानों को गुनाहों से रोक लेना, अपने ख्वाहिशात नफ्स को पाबंद कर देना रोजे का, अपने अल्लाह का पाबंद कर देना, और थक जाना 30 रोजे रख के गर्मी के शिद्दत के मौसम में। इस बार तो रोजा ने कुछ कहा ही नहीं ना हमें, पिछले साल उससे पिछले साल अंदाजा लगाइए, शिद्दत के मौसम में फिर कुरान की तिलावतें करना, रातों को क्याम करना, थक जाना, फिर क्यामत को अल्लाह अमाल के बावजूद हमें जहन्नुम में फेंक दे, सोचे क्या बना? पता क्यों हो गई? जब बंदा अमाल इसलिए करे लोग ही कहन बढ़ा दिए। आपने कभी सुने किसी सियाबी के नाम का हाजी अब्दुर्रहमान बिन औफ लिखा हो? कभी सुना है आपने? कभी किसी सियाबी ने, ताबी ने, इमाम ने, मुज्तहिद ने, अइम्मा दीन में किसी को उठा ले किसी ने अपने साथ हाजी साहब लिखवाया हो? नहीं लिखवाया सर। हमारे रवायत चल पड़ी है हाजी साहब या अलहाज फलाह साहब, ये चीजें शोहरत के लिए। आज अरे शहर जाओ ना कभी तो लेना लगवा के डंडे मार के तो लेना सदियां करवा के जलील करके जो लोगों को देते हैं ना, समझ लिया करें ये अल्लाह के लिए नहीं देते सर। ये जो अल्लाह की रजा के लिए लोग बुलाते हैं, अल्लाह की रजा के नाम पे बुला के जलील करते ना, कुरान कहता है ला तुम तिरु सदकात को बिल मन्नी वल अज़ा, इंतजार करवा के जलील करके रुसवा करके डंडे बरसा के लोगों की इंसल्ट करके इज्जत नफ्स को मजरू करके तुम अल्लाह से इसका बदला चाहते हो, अल्लाह ऐसे सबके बर्बाद कर देते। तो ये नहीं होता। सहाबा इकराम में कोई भी देखे कि पानी की समील लगी हो आगे पानी पी जाओ, कभी राशन तस्लीम करने के लिए लेने लगवाई हो, अल्लाह के पैगंबर का हुक्म था घर जाके दे के आना है, चुपके से दे के आना है। अम्मा ऐसे यही करती थी, किसी को जब कुछ देना तो सास कहना बताना ना किसने भेजा है। अम्मा ऐसे क्या कहती है? बताना ना किसने भेजा है। और सास क्या फरमाती है? अगर कोई बंदा सामने आ जाए ना जो जरूरतमंद हो, उसे कहती है तो दूंगी, मुझे एक शर्त है, मुझे ना तुमने जजाकल्ला कहना है ना तुमने मेरा शुक्रिया अदा करना। हम तो उम्मीद है, हम तो भूखे हैं चीजों के सर, पर ये पंज दे रही है समझने से बड़ा आसान चाहता हूं। इबादत का तकबर बड़ा खतरनाक।
खतरनाक तकबर है, बंदे को बर्बाद कर देता है। इतना खतरनाक तकबर माल का नहीं है, इतना खतरनाक तकबर ये जो आपके चित्रहाट का इकतदार का मनसब का शोहरत का तकबर, इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक तकबर इंसान का इबादत का तकबर है कि मैं बड़ा नेक बाकी सारे गुनाह का, मैं जनती बाकी सारे जन्म। इंतहाई खतरनाक ये तकबर है जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुश्मनी लेने पर मजबूर कर देता है। चुकी फिरदी है तकवे दे फतवे दे यार पता की कि फलावी जन्मी तो फलावी जन्मी सारी इस चीज को छोड़ दें, अपने अमल करने के बाद अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के सजदे में पढ़ दें, अल्लाह ये मैं जो नमाज पढ़ ली ना ये तेरी तौफीक से पढ़ी है। अब मेरे बाहर बैठे मेरे हमसाए पड़ोसी साहे दुकानदार और मस्जिद आने तो उन्होंने तौफीक नहीं मिली, मुझे तुमने बुलाया मस्जिद में, अगर बुला लिया ना तेरी मेहरबानी मेरी नमाज कबूल कर लेना, अल्लाह मैं तेरा बागी नहीं हूँ, तेरे बुलावे में मस्ती में तो आ गया हूँ ना। कितने लोग बाई रहे तुझे तौफीक नहीं दी, तुझे मुझे बुला लिया तौफीक दे दी है, अल्लाह मैं तेरा बागी नहीं हूँ, तेरे बुलावे में मस्ती तक आ गया हूँ, मालिक मुझे खुद संभाल ले। प्यारे भाइयों इबादत करें अल्लाह के लिए करें और करने के बाद उस पर अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें, अल्लाह हमें इसका तकब्बुर ना दे।